नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ पुलिस विभाग की बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। दोस्तों इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर की जाती है। दोस्तों आज की इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कॉन्स्टेबल की भर्ती हो रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की भर्ती का नोटिफिकेशन का लिंक दोस्तों मैंने दे रखा है। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया कि भर्ती हो रही है पुलिस विभाग में, इसमें दोस्तों कांस्टेबल की भर्ती हो रही है और इस भर्ती के लिए दोस्तों मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए जहाँ तक एज लिमिट की बात है, आयु सीमा की बात है, तो इस भर्ती में 18 साल से 28 साल तक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्रूशल डेट है 1 जनवरी 2021, यानी कि 1 जनवरी 2021 के बेसिस से ही आपकी एज की कैलकुलेशन की जाएगी तथा एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स दिया जाएगा। जहाँ तक दोस्तों टोटल वैकेंसीज की बात है तो इसमें 2340 यानी कि 2340 वैकेंसीज की भर्ती हो रही है। सैलरी की बात करें दोस्तों तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। आपका स्केल ऑफ पे होगा 19,900 रुपये। जहाँ तक दोस्तों फीस की बात है तो इस भर्ती में आपको 700 रुपये से लेके 1500 रुपये तक की फ़ीस जमा कराना है दोस्तों, यानी कि पे करना है। जहाँ तक दोस्तों इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें CBT होगा, एग्ज़ाम होगा तथा दोस्तों फिजिकल टेस्ट होगा। और दोस्तों जैसे बताया कि इस भर्ती का अप्लाई मोड है ऑनलाइन। इस भर्ती से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये रहा इस भर्ती का नोटिफिकेशन। इससे आप पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं दोस्तों, पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। जहाँ तक दोस्तों वैकेंसी बाइफरकेशन की बात है तो इसमें दोस्तों टोटल जैसे बताया कि 2340 वैकेंसी है। वैकेंसी बाइफरकेशन का डिटेल दोस्तों पॉइंट नंबर 3 से आप पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार दोस्तों जहाँ तक डोमेन वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात है तो उसका डिटेल पॉइंट नंबर 5 में दे रखा है। इसमें दोस्तों डिपार्टमेंट वाइज यानी कि डोमेन वाइज और फंक्शन वाइज वैकेंसीज का बाइफरकेशन दे रखा है। दोस्तों अगली इन्फॉर्मेशन है पे स्केल के बारे में। तो दोस्तों जैसे बताया कि भर्ती हो रही है कांस्टेबल की, इसमें आपका स्केल ऑफ पे होगा 19,900 रुपये। ज़्यादा दोस्तों पॉइंट नंबर 7 की बात है तो इसमें एज से रिलेटेड डिटेल दे रखा है कि कैंडिडेट की एज 18 साल से 28 साल होनी चाहिए और 1 जनवरी 2021 इसके लिए क्रूशल डेट है। एज रिलैक्सेशन का डिटेल भी दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 7 से मिल जाएगा। दोस्तों जहाँ तक फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात है तो इसमें मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 5 फीट 4 इंच, यानी कि 162.56 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए कैंडिडेट की, और फीमेल की होनी चाहिए 5 फीट यानी कि 152.4 सेंटीमीटर। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों कैंडिडेट कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है कैंडिडेट का, और इसके या तो इसके बराबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन्स मेंशन्ड बिलो। तो डिसिप्लिन के नाम दोस्तों नीचे दे रखे हैं दोस्तों। ये आपको डोमेन वाइज क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। पहला डोमेन है दोस्तों IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन रखी गई है बैचलर डिग्री मिनिमम 3 ईयर्स या मास्टर डिग्री मिनिमम 2 ईयर्स। आपकी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंटेशन में या कम्युनिकेशन में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसी प्रकार इसमें और भी अल्टरनेट क्वालिफिकेशन का डिटेल दे रखा है। और इसमें दोस्तों आप डोमेन वाइज डोमेन के साथ साथ यहाँ पे फंक्शंस के भी नाम दे रखे हैं, यानी कि स्पेशलाइजेशन के भी नाम इसमें आप पढ़ सकते हैं। अगला डोमेन का नाम है दोस्तों कम्युनिटी एंड विक्टिम सपोर्ट एंड काउंसलिंग सर्विसेज की। इस डोमेन के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी या सोशल वर्क। और इसमें और भी दोस्तों डोमेन दे रखे हैं। अगला डोमेन है फॉरेंसिक साइंसेस यानी कि FS।
इस डोमेन के लिए क्वालिफिकेशन है, पोस्ट का नाम कॉन्स्टेबल है दोस्तों, डोमेन का नाम है FS यानी कि फॉरेंसिक साइंसेस। इसमें फंक्शन के नाम भी आप सामने देख सकते हैं दोस्तों। इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस। और अगला डोमेन है HR का यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का दोस्तों, HR फंक्शन का ये डोमेन है दोस्तों। इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट या कॉमर्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। और अगला डोमेन है लीगल सर्विसेज, लीगल सपोर्ट इसका फंक्शन है दोस्तों। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन लॉ। अगला डोमेन है दोस्तों रोड सेफ्टी एंड रेगुलेशन का, और इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है बैचलर्स या मास्टर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। और ये दोस्तों ये डोमेन वाइज क्वालिफिकेशन का डिटेल मैंने आपको बताया दोस्तों। टोटल वैकेंसी दोस्तों जैसे बताया कि 2340 वैकेंसी है, इसमें से 3% जो वैकेंसीज हैं दोस्तों वो स्पोर्ट्स कोटा की है। और इस भर्ती के लिए दोस्तों आप आज की डेट से यानी कि 9 सितंबर से अप्लाई कर सकते हैं। 21 सितंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इस भर्ती का लोकेशन है पंजाब, और इसके लिए दोस्तों वेबसाइट है http://punjabpolice.gov.in पे जाके आप इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था 100 डिटेल इस भर्ती का। इन केस आप इस भर्ती में इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।